दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक अनोखे गांव के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें स्वयं माता पिता अपने बच्चों को सांप के बीच फेंक देते हैं। उन्हें यह आशा होती है कि अगर सांप हमारे बच्चे को कुछ नहीं करता है तो वे चिरंजीवी होंगे, हमेशा सफलता उनके कदम चूमेगी और जीवन में कोई उनका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। तो क्या आप इस तरह के अंधविश्वास भरी बातों पर यकीन कर सकते हैं? परंतु ऐसा वास्तव में होता है बिहार के एक छोटे से गांव अनवरी में। फिलहाल सरकार इन तरह की परंपराओं पर वहां रोक लगा चुकी है, परंतु आज से 5 साल पहले तक भी अनवरी गांव में सभी माता पिता साल के एक प्रमुख दिन सोमवती अमावस्या के दिन अपने बच्चों को सांप के झुंड में फेंक देते थे। तो आइए जानते हैं किस घटना के बाद से इस परंपरा का अंत हुआ। तो बात है आज से ठीक 5 साल पहले की, बात है सन 2016 की। उस साल के जो सोमवती अमावस्या आने वाली थी, उस दिन उस गांव के सभी नवजात शिशुओं को एकत्रित किया जाने वाला था। गांव के एक ठाकुर थे जिनका नाम था हीरालाल जी धमड़ी। उनका बेटा लंदन से डॉक्टरी करके 21 साल बाद अपने गांव लौटा था। जब उसे इस परंपरा के बारे में पता चला तो उसने अपने पापा के साथ सभी गांव वालों से कहा कि आप सभी लोग ये क्या अंधविश्वास से भरी हरकतें कर रहे हैं? क्या आपको अपने नवजात बच्चों की कोई चिंता नहीं है जो हाल ही में जन्मे हैं? आप उनके जीवन को इस प्रकार से खतरे में कैसे डाल सकते हैं? उसके बाद हीरालाल जी ने अपने बेटे से कहा कि इसी प्रकार से तुम्हें भी बचपन में सांप के सामने डाला गया था, और अगर तुम आज सक्सेसफुल हो, जीवन में कामयाब हो, तो उन्हीं नाग देवता के आशीर्वाद से। उसके बाद उसने अपने पिता से कहा कि अगर आज मैं कामयाब हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत के बदौलत। उसके बाद उसकी बातों को किसी ने इतना महत्व नहीं दिया और गांव के सभी बड़े अनुभवियों ने कहा कि इस परंपरा को अगर हर साल हम नहीं निभाएंगे तो हमारे गांव पे बड़ी मुसीबत आ सकती है। उसके बाद आने वाली सोमवती अमावस्या को सभी लोग उस परंपरा को करने की तैयारी में जुट गए। उसके बाद सोमवती अमावस्या का दिन आया, सभी गांव के लोग एक खाली ग्राउंड पर गए जहां पर उन्होंने बहुत सारे सांप बिछा दिए। उसके बाद सभी लोग एक एक करके अपने नवजात शिशुओं को सांप के सामने रखने लगे, और यह सभी दृश्य हीरालाल जी का डॉक्टर बेटा देख रहा था। उसने अपनी एक मेडिकल टीम भी वहां बुलवा रखी थी और एक एम्बुलेंस भी तैनात रख रखी थी, क्योंकि उसे ऐसा अंदेशा था कि वहां कोई ना कोई दुर्घटना जरूर होने वाली है। परंतु वहां का दृश्य देखकर उसके भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जब जब लोग सांप के सामने बच्चे को डालते जाते, सांप बच्चों के पास आता, उन्हें सूंघता, परंतु उन्हें कोई कष्ट नहीं पहुँचाता। उसके बाद लोग समझते कि उसे आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है और उसके बाद वो उस बच्चे को उठा लेते। परंतु इस पूरे घटनाक्रम को हीरालाल जी का डॉक्टर बेटा अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। उसके बाद सोमवती अमावस्या के दिन यह पूरी घटना बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हुई, और भगवान का आशीर्वाद रहा, एक बच्चे को सांप के माध्यम से जरा सी खरोज भी नहीं आई थी। परंतु हीरालाल जी के बेटे ने सारी बाजी ही पलट दी। रिकॉर्ड करी हुई उस वीडियो को उसने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जब सरकार के पास वह वीडियो पहुंची, तब इस प्रकार की अंधविश्वास से भरी परंपरा देखकर वो भी चौंक गए, और सरकार ने आदेश दिया कि तुरंत इस गांव में जाओ और उन्हें सख्ती से कहो कि आज के बाद अगर ऐसी परंपरा उन्होंने फिर से दोहराई तो सभी गांव वालों पर आपत्तिजनक केस किया जाएगा। बिहार के अनवरी गांव में उसके बाद कभी भी इस प्रकार की परंपरा नहीं दोहराई जा सकी, परंतु ऐसा माना जाता है कभी कभी आज भी लोग चुपचाप ऐसा कृत्य किया करते हैं, क्योंकि वे अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं। परंतु दोस्तों, आप बताइए यह परंपरा किस हद तक सही है? क्या कोई अपने बच्चों की जान इस तरह से खतरे में डाल सकता है? साथ ही में वीडियो को लाइक करना तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।